हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं चावल का कटलेट। यहाँ 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। यहाँ 1 कप जो है सो चावल का आटा, आधा कप मैदा ले लिए हैं, 1 शिमला मिर्च ले लिए हैं, 2 कटी हुई प्याज ले लिए हैं और यहाँ जो है सो हमने लावा ले लिए हैं। लावा को हम मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिए हैं। 2 कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, हल्दी, मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार और जीरा पाउडर। चलिए फिर कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो हम ये आलू लिए हैं इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं मैशर से। देखिए इस तरह से मेरा मैश हो चुका है। अब हम इसमें जो है सो प्याज कटे हुए डाल देंगे, फिर शिमला मिर्च कटा हुआ डाल देंगे, फिर धनिया भी डाल देंगे, धनिया पत्ती। अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब हल्दी पाउडर भी इसमें मिक्स कर लेंगे, नमक स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर भी डालेंगे। अब हम हाथों से धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम 4 चम्मच चावल का आटा हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से डो बना लेते हैं। देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा कटलेट की शेप में हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से जिस तरह से कटलेट बनता है उसी तरह हम उसका शेप देंगे और हमारा 1 कटलेट बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सभी कटलेट को बना के तैयार कर लेते हैं। आधा कप हम मैदा ले लिए हैं और आधा कप हम पानी डाल के दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से घोल बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब जो हम ये कटलेट लिए हैं इस कटलेट को एक एक करके हम इसी घोल में डालेंगे और जो है सो लावा का जो हम चूर बना के रखे थे उसमें हम डाल के अच्छे से कोट करेंगे। देखिए हम कोट कर चुके हैं। अब हम इसे तेल में डालकर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। देखिए सारा कटलेट को हम इसमें डाल चुके हैं। अब हम इसे पलट दे रहे हैं। देखिए हमारा एक साइड हो चुका है और हम इसे दूसरे साइड पलट ले रहे हैं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा कटलेट बनके तैयार हो चुका है। अब हम इस कटलेट को एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है कटलेट बनाना। आप इसे धनिया पत्ता की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।